पापा पापा तो मामा छोड़कर क्यों चले गए? पापा मम्मी पापा छोड़ के क्यों चले गए? हम कैसे जिएंगे? मम्मी मम्मी मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है। अरे बेटा भूख लग रही है तुम्हें? हाँ मम्मी। भगवान घर में रोटी तो है ही नहीं, मेरे बेटे को क्या दूं खाने को? कुछ भी नहीं है घर में, ये भगवान कैसे दिन देखने पड़ रहे हैं। मम्मी मुझे बहुत जोर से लग रही है। क्या करें बेटा, पानी पी लो तुम, घर में कुछ भी नहीं है, मैं क्या करूं क्या ना करूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा बेटा। बर्बाद हो गए हम तो, घर बिगड़ गया हमारा। मम्मी हमारे पापा की खत्म हो गए। क्या करें, भगवान की ऐसी इच्छा थी, जैसा भगवान रखेगा वैसा ही रहना पड़ेगा। क्या अपने पापा थे जब कितने अच्छे से रहते थे। हाँ बेटा क्या करें, अपनी पूरी खुशियाँ ही चली गई। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बेटा, क्या करें, भीख मांगू क्या ना करूं, क्या मजदूरी करूं क्या करूं। एक काम करो बेटा, तुम पानी पी लो, घर में कुछ भी नहीं है खाने को। ठीक है मम्मी। मम्मी मम्मी बहुत भूख लग रही है, मम्मी बहुत भूख लग रही है, खाना चाहिए। क्या करें बेटा, तुम्हारे पापा के जाने के बाद कोई सहारा नहीं है, बस एक ही चारा है, क्या करें क्या ना करें। हम सब जहर खा लेते हैं बेटा, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, क्या करें क्या ना करें बेटा। मम्मी पापा हमें छोड़ गए, क्यों चले गए? क्या करें बेटा, क्या ना करूं, मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा बेटा। तू ही मेरा एक सहारा है, रो मत। मम्मी घर में खाने को कुछ भी नहीं है तो हम क्या खाएं? क्या करें बेटा, जहरी खा लेते हैं, ऐसी जिंदगी से तो मर जाना ही बेहतर है बेटा। क्या करूं क्या ना करूं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मम्मी आपने जहर खाने की बात मत करिए, मैं हूँ ना जिंदा, मैं करूँगी नौकरी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मम्मी। अरे बेटा तू क्या नौकरी करेगी, गरीबी ने तो तुझे पढ़ने भी नहीं दिया, तू क्या नौकरी करेगी तू हैं? मम्मी मैं लोगों के घरों में काम करूँगी, घरों में कोई भी काम करूँगी, झाड़ू पोछा बर्तन, उसमें पढ़ाई की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, वो बिना पढ़ाई के भी किया जा सकता है। मम्मी आप रोइए मत, मैं हूँ जिंदा, मैं ज़रूर कोई ना कोई नौकरी ढूंढ लूँगी। मम्मी आप चिंता मत करिए, मैं भी जाती हूँ। हाँ बेटा तू ही एक सहारा है मेरा, तू ही आखिरी सांस है मम्मी से। ठीक है क्या करें क्या ना करें बेटा, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रही यार। नौकरी ढूंढने जाती हूँ मम्मी। हाँ बेटा चले जाओ। दादी दादी आपके घर में कोई काम है क्या? मुझे कोई भी काम दे दो, मैं कोई भी काम कर लूंगी, मुझे काम की बहुत जरूरत है दादी। का काम? नहीं है बेटा काम तो, अरे का काम बताऊं तुम बेकान ने? नहीं है काम कोई भी नहीं है, चक्की चलन लगी तो वो तो आटो पिसके नहीं आए, और नुका बारी भी मुलक लग रही है वही। ठीक है और का काम है? ठीक है दादी, मैं कहीं और जाके काम ढूंढती हूँ। हाँ और ढूंढ लो, का करन लगे अब चक्की चलन लगी भैनों का बारे मुलक मिल जाए। भैया भैया आपके यहाँ कोई काम है क्या? कोई भी काम दे दो, मैं कोई भी काम कर लूंगी, मुझे सारे काम करने आते हैं। नहीं नहीं हमारे यहाँ नहीं है काम, पहले ही बहुत सारे काम वाले लग रहे हैं हमारे यहाँ, कहाँ से दें आपको काम? यहाँ आसपास कोई काम मिलेगा क्या? यहाँ आसपास मुश्किल है, सबके पास है काम वाले, जाओ और कहीं देख लो काम। सेठ जी नमस्ते, आपके आपके घर मैं, मुझे काम की बहुत जरूरत है सेठ जी, आपके घर पे कुछ भी काम हो कोई भी काम दे दीजिए, मैं सारे काम कर लूंगी, मुझे बहुत जरूरत है, मेरे घर में खाना पीना कुछ भी नहीं है, मुझे काम दे दो। क्या क्या काम कर लेती हो तुम? कोई भी काम कर लूंगी मैं, आपके घर का कुछ भी काम कर लूंगी, मुझे कोई भी काम दे दो।
अच्छा ठीक है, रोना बंद करो, ये मेरे दो बच्चे हैं निकिता और अंजलि, इन दोनों का ख्याल रखना है, इन्हें स्कूल ले जाना है, स्कूल से लाना है, घर का खाना बनाना है, और एक बात का विशेष ध्यान देना, तुम्हें काम करने के लिए जल्दी आना है और लेट जाना है यहाँ से। ठीक है, कर पाओगी? ठीक है, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपकी दोनों बेटी अंजलि और निकिता का पूरा ध्यान रखूंगी, उन्हें स्कूल से भी लेकर आऊंगी और टाइम पे स्कूल भी छोड़ दूंगी। अब आज से इन दोनों की और घर की सारी जिम्मेदारी मेरी है। चलो ठीक है, तो कब से आना है मुझे काम पे? तुम कल से आ जाना बेटा, ठीक है? ठीक है, मैं घर जाती हूँ। चलो अच्छा है, कोई काम करने वाला आ गया घर में, कम से कम मेरी बेटी को ख्याल तो रखना पड़ेगा। मम्मी मम्मी मम्मी। हाँ बेटा। मुझे ना नौकरी मिल गई है, एक सेठ जी है वो बहुत दयालु है, उन्होंने मुझे नौकरी दे दी है। अच्छा बेटा, बहुत अच्छी बात है, तुम्हें नौकरी मिल गई बहुत खुशी की बात है बेटा, पर तनख्वाह क्या है बेटा? मम्मी 2000 रुपए है तनख्वाह, वो एक महीने के मुझे 2000 रुपए दे दे। बेटा 2000 रुपए में क्या होगा, तुम्हारी पढ़ाई और मेरी दवाई कैसे आएंगी 2000 रुपए में बेटा, क्या होता है? अरे मम्मी, मेरी पढ़ाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट है आपकी दवाई है, मैं बाद में फिर कभी पढ़ाई कर लूंगी अगर भगवान ने चाहा तो। हाँ, बस घर का खर्चा चल जाए हमारा और आपकी दवाई आ जाए, और क्या चाहिए हमें? बेटा मैं तो बूढ़ी हो गई, मैं तो मर जाऊंगी, मुझे क्या करना? अरे नहीं मम्मी, आप ऐसा मत कहिए, ऐसा मत कहिए। तू तो तेरा भविष्य बना, तू पढ़ ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए बेटा, कुछ भी नहीं चाहिए। नहीं मम्मी नहीं, आप चिंता मत करो, मैं अच्छे से मन लगा के काम करूंगी, फिर सेठ जी मेरी भी तनख्वाह बढ़ा देंगे। हाँ बेटा बहुत अच्छी बात है, तुम्हारी सेठ जी बहुत ठीक है। मम्मी अब मैं खाना बनाने जाती हूँ। बेटा ठीक है, चलिए बेटा। सुबह कविता काम पर जाती है और वह अपना काम बहुत ही लगन और ईमानदारी से करती है और वह दोनों ही बच्चियों का बहुत अच्छे से ध्यान रखती है। हो गया आपका मेकअप, अब मैं आपको स्कूल छोड़ने चलूं? दीदी आप बहुत ही अच्छी हो, भगवान का शुक्र है कि आप हमें आप जैसी काम वाली भाई मिली। मुझे भी बहुत ही अच्छी खुशी की बात है कि मुझे भी आप जैसे घर में काम करने को मिला, मुझे भी पैसों की बहुत ज़रूरत थी और ये ज़रूरत आपके घर आके ख़त्म हुई है। अरे ये काम वाली भाई कितना अच्छे से काम कर रही है, मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रख रही है, काश ये हमेशा के लिए यहीं पर रह जाए तो कितना अच्छा होगा, मेरे बच्चों का ख्याल रख सकेगी। नमस्ते माता जी। नमस्ते नमस्ते। मैं ये कह रहा था कविता आप ही की बेटी है ना? हाँ बेटा, वो मेरी बेटी है। हाँ वो मेरे यहाँ काम करती है। अच्छा। मैं आपसे ये कह रहा था कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। अरे बेटा ये कैसा हो सकता, वो तो आपसे आधी उम्र की है, मैं कैसे कर सकती हूँ उसकी शादी तुम्हारे साथ? अरे आपने वो कहावत नहीं सुनी, आदमी और घोड़ा कभी बूढ़े नहीं होते। मैं इसके बदले में तुम्हें हर महीने खर्चा भेज दिया करूँगा। देखो मेरे पास पैसों की बिल्कुल भी कमी नहीं है, मैं तुम्हें घर बना कर दूंगा, 3 BHK का मकान बना कर दूंगा, और सबसे बड़ी बात तुम्हारी बेटी को बहुत अच्छे से रखूंगा मैं, रानी बनकर रहेगी मेरे घर में रानी, मेरे दो बच्चे हैं बस उनका ख्याल रखना है उसे, बस तुम्हारी दवाइयों का खर्चा, तुम्हारी बेटी का देखभाल, तुम्हारा देखभाल, तुम्हारी हर समस्या का मैं समाधान करूंगा। अरे वो नया घर देंगे और मैं उस घर में रहूंगी तो बड़ा मजा आएगा, चलो मैं हाँ कर देती हूँ उससे एक भी बार, मुझे तो ये बहुत अच्छा रिश्ता लगा है, मैं उससे हाँ ही कर देती हूँ। अरे माता जी कहाँ खो गई आप? अरे कुछ नहीं बेटा, ऐसे ही सोच रही थी। हाँ। मैं ये कह रहा था कि मैं तुम्हें पैसे दूंगा, 50,000 रुपए मकान दूंगा, तुम्हें मंजूर है क्या? हाँ सब मंजूर है, मैं कल ही है ना तुम्हारी शादी करवा दूंगी मेरी बेटी। बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी आपका। ठीक है।
अच्छा माँ जी, मैं घर चलता हूँ, मेरे बच्चे इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, एक बात का ध्यान देना, तुम्हारी बच्ची वहाँ रानी बनकर रहेगी, अच्छे से सोच समझ के जवाब देना, तुम्हारी बच्ची से पूछ लेना। माता जी राम। मम्मी, मैं काम खत्म करके आ गई, और आज आप इतनी खुश क्यों दिखाई दे रही हो? अरे बेटा, तुम्हारे लिए एक रिश्ता आया है बहुत ही अच्छा। पर मम्मी, मुझे अभी शादी नहीं करना है, अगर मैं शादी कर लूंगी तो हमारे घर का खर्चा कौन चलाएगा? बेचारा निखिल, वो तो चल भी नहीं पाता, आप सभी लोगों की जिम्मेदारी कौन लेगा अगर मैं चली जाऊंगी? अरे तो? बेटा, सब उसी ने जिम्मेदारी ली है, वो पूरे घर का खर्चा चलाएगा, वो दवाई का भी खर्चा चलाएगा, वो घर अच्छे से चल जाएगा, घर सब कुछ। बेटा, किसकी बात कर रही हो? अरे वही जो तुम काम करती थी ना, उन्हीं के। उन्हीं? वो बहुत पैसे वाले हैं बेटा, वो बहुत पैसे वाले। तो वो हमारा खर्चा क्यों चलाएंगे मम्मी? उन्होंने कहा है बेटा। क्या कहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा। सारी जिम्मेदारी मेरी है आज से। मम्मी, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। अरे बेटा, वो तुम्हारी मालिक है ना, वही शादी करने के लिए बोल रहे हैं तुम्हारी। अरे मम्मी, ये कैसे हो सकता है? वो तो मुझसे उम्र में 2 गुने बड़े हैं, मैं उनसे कैसे शादी कर सकती हूँ? अरे बेटा, तो क्या हुआ? नहीं मम्मी, मैं उनसे शादी नहीं कर सकती हूँ, वो उनकी तो 2 बच्चियाँ भी है, वो मेरे बराबर, मेरे से थोड़ी सी छोटी है, मैं उनसे शादी कैसे कर सकती हूँ? अरे बेटा, तो क्या हुआ, उनकी बीवी मर गई, तू वैसे भी घर चलाती थी, घर में काम करती थी, बच्चों को संभालती थी, ऐसी वहाँ पे संभाल लेना। और वो हमारे घर का खर्चा भी देंगे, और घर की सारी जिम्मेदारी वो ले रहे हैं। अच्छा ठीक है मम्मी, अब आप कह रही हो तो मैं कर लेती हूँ। हाँ बेटा, कर लो बेटा। अरे बेटा, तू शादी कर ले बेटा, तेरे पापा का सपना था, बस यही उनका आखिरी सपना था बेटा, तू कर ले शादी बेटा, मैं तेरे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, मुझे मत कर तू उदास बेटा, कर ले शादी बेटा, कर ले बेटा। ठीक है मम्मी, अब आप इतना कह रही हो तो मैं शादी कर लेती हूँ। हाँ कर लो बेटा। ठीक है। शादी के बाद रमेश कविता का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखता था, लेकिन कुछ ही दिन बाद रमेश का कविता के प्रति स्वभाव बदल गया। आज ना मैं मेरी रेड कलर की शर्ट पहनती हूँ, वैसे रखी तो यहीं पे थी मैंने। अरे कहाँ गई? मम्मी, मम्मी इधर आना। हाँ बेटा, क्या हुआ? मम्मी, आपने मेरी रेड कलर की शर्ट देखी है? नहीं, मुझे नहीं पता, यहीं तो रखी हुई थी, तुमने कहीं रख दी होगी शायद। मैंने यहीं पे रखी थी, मुझे नहीं मिल रही, मुझे नहीं पता कहाँ गई। अरे भाई, क्यों चिल्ला चोट कर रहे हो तुम दोनों? अरे पापा, मेरी रेड कलर की शर्ट नहीं मिल रही, मैंने यहीं पे रखी थी। क्या, तुम बच्चों के कपड़ों का ख्याल नहीं रख सकती हो तुम? मैंने यहीं रखा था, मुझे नहीं पता घर में कहाँ गया। उसकी चीजों से हाथ नहीं लगाना है तुम्हें, यहाँ पे जाके चीजें है वही रखना है तुम्हें, समझ गई ना तुम? अब जाओ जाके काम करो वहाँ पर। ओहो पापा, सारा मूड खराब कर दिया, मुझे ना ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, आप कौन सी झोपड़पट्टी से इनको उठा कर ले आए। हाँ बेटा, क्या करें। ओ गॉड, मेरा पूरा आईलाइनर खत्म कर दिया, जरूर ये मेरी नई मम्मी ने किया होगा। डैडी डैडी, कम यार। अरे बेटा क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो तुम? आपको पता है ना, मैं बिना मेकअप के स्कूल नहीं जाती, मेरा पूरा आईलाइनर खत्म कर दिया उस सड़ी सी औरत ने। क्या कविता, कविता कहाँ मर गई, इधर आओ। मुझे तो बहुत गुस्सा आता है, पता नहीं चीजों को कहाँ कहाँ रख देती है। देखो पापा आने में भी कितनी देर कर रही है। हाँ बेटा सही बात है। अरे क्या हुआ, आप क्यों बुला रहे हैं मुझे? अरे कहाँ मर गई थी कामचोर, ये बच्चों के सामानों से क्यों बोलती है तू? तूने इसका आईलाइनर खत्म कर दिया। ये मैंने नहीं किया, वो अंजलि ने किया होगा। मेरी बहन का झूठी नाम क्यों लगा रही है? वो कह रही है तो सही कह रही होगी, तुम्हें खत्म किया हुआ इसे। मैंने नहीं किया, सच में मैं सच कह रही हूँ, मेरा विश्वास कीजिए। अब तुम बच्चों की सामान से भी हाथ लगाने लगी हो, निकल जाओ मेरे घर से यहाँ से। A few moments later. सुनिए, आजकल आप मुझ पर इतना चिल्लाते क्यों हैं? मैं सब कुछ तो कर रही हूँ, घर के सारे काम करती हूँ, जिम्मेदारी सारी जिम्मेदारियाँ उठाती हूँ, फिर भी आप मुझ पर
अच्छे से बात क्यों नहीं करते, मुझे प्यार क्यों नहीं करते हैं? पहले तो आप मुझसे बहुत प्यार। सुनो, तुम्हें इस घर में रहना है ना, तो मेरे दोनों बच्चों का ख्याल रखना पड़ेगा और मेरा ख्याल रखना पड़ेगा। प्यार में यार कुछ नहीं होता है, मैं तुमसे कोई प्यार व्यार नहीं करता हूँ। तुम्हारी माँ को मैंने पैसे दिए हैं, तुम्हें खरीदा है मैंने, जब जाकर तुम यहाँ आई हो। प्यार व्यार मेरे बार मुझसे नहीं होगा। चिल्ला के बात तो मत किया करो कम से कम। तो क्या तुम्हारी आरती उतारूं मैं? आप मुझे प्यार नहीं करते। कोई प्यार व्यार नहीं करते, सिर्फ अपना। तुम्हें कुछ नहीं करना है, घर का काम करना है, बच्चों का ख्याल रखना है और मेरा ख्याल रखना है, बस। अब ये रोना धोना बंद करो, जाओ यहाँ से, काम करो। मुझसे प्यार नहीं करते आप? 10 बार बोल दिया है, चले जाओ यहाँ से, काम करो अपना। अरे चश्मा कहाँ रख दिया मैंने? कविता, कविता! अरे क्या हुआ, आप चिल्ला? अरे कहाँ मर गई थी, चश्मा कहाँ रख दिया मेरा? मैं घर के काम कर रही थी। चश्मा मुझे नहीं पता, आपको पता होगा ना आपने कहाँ रखा। मुझे घर में रहती है कि कहाँ रहती है तू? मुझे मार क्यों रहे हो? तो आप पूछ भी, दूर से भी तो बात कर सकते हो बिना मारे। तो तेरी आरती उतार के पूछू क्या तुझसे कि मेरा चश्मा कहाँ रख दिया तूने? मुझे नहीं पता। तुझे नहीं पता तो इस घर में कौन रहता है? काम तो तू करती है ना, तुझे इस घर में किस लिए लाए हैं? काम करने के लिए लाए हैं ना। आपने अंजलि और निकिता से भी पूछा, उनसे भी तो पूछते एक बार। मैं उन बच्चों से क्या पूछूं, वो तो बच्चे हैं। काम कौन करता है घर में, तुम करती हो या बच्चे करते हैं? मुझे नहीं पता, आप एक बार निकिता और अंजलि को भी तो पूछ के देखो। जवान लड़ाई मुझसे। हाँ, तुझसे जितना पूछा गया उतना बता, तुझे लाए किस लिए है इस घर में? काम करने के लिए लाए थे ना तुझे। मैं देखती हूँ, अंदर जाके देखती हूँ। जा जाके देख। ओ वाह अर्षिता, देख ना पापा के पैसे रखे हुए हैं। चल इनको उठाकर मॉल में चलते हैं, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, मेकअप के सामान लेंगे और कुछ अच्छा सा खाएंगे। पर पूछेंगे तो अपन बोलेंगे हमने नहीं। हाँ चल। A few moments later. अरे पैसे कहाँ गए यहाँ से? कविता कहाँ मर गई? काम छोड़ इधर आ। कविता कहाँ मर गई? क्या हुआ? मैं नहाने क्या गया, तुमने यहाँ से पैसे उठा लिए। पैसे कौन से पैसे? मुझे नहीं पता आप कौन से पैसे की बात कर रहे हैं। कौन से पैसे? यहाँ पैसे रखे थे मैंने, यहाँ से पैसे कहाँ गए फिर? मैं तो खाना बना रही थी दोनों बच्चियों के लिए, मुझे नहीं पता पैसे कहाँ गए। तो तुम्हारा मतलब है यहाँ पर भूत आया था, वो उठा के ले गया? आप हमेशा मुझ पर क्यों चिल्लाते रहते हो बात पे? एक बार आप अंजलि और निकिता से तो बात कीजिए। खबरदार जो मेरे बच्चों पर इल्जाम लगाया था तुमने। मेरे बच्चों ने आज तक पैसे नहीं चुराए हैं और तुम मेरे बच्चों पर नाम लगा रही हो। मेरे बच्चों पर नाम लगाओ? हाँ निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ, तुम्हारी कोई जगह नहीं है यहाँ पर। आगे से मेरे किसी भी सामान को हाथ मत लगा देना। तुझे यहाँ मैं खरीद कर लाया हूँ काम करने के लिए, यहाँ मालकिन बनने के लिए नहीं। और इतना सर संवारने की जरूरत नहीं है, जाकर काम कर अपना। मुझे नहीं रहना यहाँ पे, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता है। मेरे पति भी मुझसे कहते हैं कि मुझे इन्होंने सिर्फ पैसे में खरीदा है। मैं अपनी मम्मी के यहाँ चली जाती हूँ, वहीं रहा करूंगी। मम्मी आपने मेरी शादी कैसी जगह कर दी, हमेशा मुझे मारते ही रहते हैं। अब मैं उस घर में वापस नहीं जाऊंगी मम्मी। नहीं बेटा ऐसी नहीं कहते, तुम वापस नहीं जाओगी तो ये घर कैसे चलेगा बेटा? हम रोड पर आ जाएंगे बेटा, तुम्हें जाना होगा बेटा। क्या हुआ, पति ही तो हाथ उठाता है तो वो अपनी जरूरतों को पूरा भी तो करता है तुम्हारी, है कभी ना कभी अच्छे दिन आएंगे उसको ऐसा जरूर होगा बेटा। रो मत बेटा, हाँ सब ठीक हो जाएगा बेटा, तुम्हें जाना भी होगा, वहीं पर जाना होगा बेटा, रो मत ही। अरे बेटा तुम वहाँ पर नहीं जाओगी तो ये घर कैसे चलेगा, निकल की पढ़ाई का खर्चा कैसे चलेगा बेटा? तुम्हें जाना भी होगा, वहीं पर जाना होगा बेटा, नहीं तो हमारा क्या हाल होगा बेटा। तुम जाओ बेटा, जाओ बेटा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम्हें जाना ही होगा बेटा। बेटा जाओ, तुम्हारे पैर पड़ती हूँ बेटा, जाना ही होगा, हमारा नहीं क्या हाल होगा हमें।
गरीब है तुम्हें तो एक सहारा हो बेटा, तुम्हें जाना होगा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ बेटा, जाओ। पति तो है, कभी ना कभी उसको एहसास जरूर होगा, पति के चरणों में ही स्वर्ग होता है बेटा। कविता कहाँ मर गई, काम चोर इधर आ। अरे व्हाट्स हैपेंड डैड? अरे बेटा कहाँ गई तुम्हारी मम्मी? अरे वो तो लगता है घर छोड़कर चली गई। जाएगी कहाँ, आएगी तो यहीं पर। जाओ बेटा अपना काम करो तुम लोग। ओके। ये जिंदगी मेरी कैसी हो गई, ना मैं उधर जा सकती हूँ ना मैं इधर सुख से रह सकती हूँ। आ गई, बोला था मैंने नहीं रखा ना तेरी माँ ने तुझे, तेरी माँ बहुत समझदार है। अरे वो अपना ऐसो राम छोड़ेगी थोड़ी ना जो तुझे वहाँ रख लेगी, मुझे पता था तेरी माँ तुझे नहीं रख सकती, अगर उसने तुझे वहाँ रख लिया तो उसका खर्चा कैसे चलता, उसके महीने के पैसे कैसे मिलते उसे। जाकर अंदर काम कर अब, और ये रोना धोना बंद कर जा। क्यूरी काम चोर यहाँ क्यों बैठी है तू, हाँ कोई काम धंधा नहीं क्या तुझे अंदर? कविता का पति उस पर अत्याचार करता रहता है और उसकी जिंदगी यूं ही रोते हुए गुजरती रहती है।